देश को तो नई सरकार का इंतजार है, लेकिन किसानों के लिए खबर अच्छी नहीं है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मॉनसून इस बार सामान्य से कमजोर रह सकता है, असर फसलों पर भी पड़ सकता है। खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा, बहुत जल्द मिलेगा। फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी, और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। इस टीवी विज्ञापन को देखकर यही लग रहा है कि बीजेपी मान चुकी है कि वो सत्ता में आने वाली है, और वो भी अच्छे दिन लाने के वादे के साथ। सच्चाई समय के भविष्य में छिपी है। लेकिन एक खबर तय मानी जा रही है कि देश के किसानों के लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल गर्मियों में बरसात कम होने वाली है और मॉनसून की बारिश सामान्य के बराबर नहीं होने के आसार हैं। ये अभी दो है, बारिश दो है नहीं। अच्छा समय, अब सूरज है, स्काई क्लियर है, इसकी वजह से अब टेम्परेचर स्लोली 30 तक बढ़ेगी। स्लोली मतलब एक डिग्री आधा डिग्री रोज थोड़ा थोड़ा बढ़कर जाएगी, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है 30 तक। फिर फर्स्ट वीक अप्रैल में थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड को थोड़ा क्लाउड आएगा, वो लाइट रेन भी चांसेस है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी में कहा गया है कि मानसूनी बारिश औसत के 95% होने की संभावना है, जबकि पूरे देश में जून सितंबर महीने में औसत वर्षा 88% ही हो सकती है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 96% से 104% के बीच की बारिश को सामान्य बारिश माना जाता है। कम बारिश की भविष्यवाणी से खरीफ की फसल पर असर पड़ सकता है और उत्पादन घटने से महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन केंद्र में जो भी नई सरकार आएगी, उसके लिए भी आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो।